सजन समरना, ये देखो मुझे लगा मेरे बाल, मैंने मेहंदी लगाई इतनी मेहनत से और फिर भी सफेद हो रहे हैं, लेकिन नहीं। और ये देखो मैंने आज ये वाली कुर्ती डाली है, कैसा लग रहा है। और ये देखो सारा फैला के रखा हुआ है क्योंकि मुझे कहीं जाना है तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। आज नहीं जाना है, जब जाना होगा तो बता देंगे। और ये देखो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा दूँ। ट्राई कर रही थी कि देखो मुझे आ रही है फिट या नहीं आ रही है, तो ट्राई कर रही थी तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी एक क्लिप बना लूँ, आप लोगों से बातें कर लूँ और थोड़ा सा दिखा दूँ कैसी लग रही है। पूरा नहीं दिखाऊंगी मैं, तो पूरा दिखाऊँ जब पहन लूंगी, जिस दिन तैयार होऊंगी ना उस दिन दिखा दूंगी आप सभी को फाइनल लुक। तो ये देखो फैला हुआ है, और ये जो आपको पॉलीथीन दिख रही है ना, ये बड़ी है, तो इसमें क्या होता है नमन की जो छोटी छोटी चीजें हैं उसमें भर के रख देते हैं, तो वो गायब नहीं होता है। नहीं, स्कूल के समय तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चलो आज मैं जाऊंगी थ्रेडिंग भी बनवाऊंगी, और हाँ थ्रेडिंग ही बनवाऊंगी, और तो मैं कुछ करती नहीं, फेसियल वगैरह ये सब नहीं करती। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से, थोड़ी सी बातें कर ली, बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये बिल्कुल सुबह का टाइम का है। मैंने छोटी सी क्लिप ऐड कर दी है, आप लोगों को दिखा दिया है, क्योंकि कई लोग मतलब बोलते भी हैं, क्योंकि अब इस पे जितने भी फ्रेंड हैं सबकी अलग अलग फरमाइश होती है, तो इसलिए अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। और अभी थोड़ा सा मतलब ब्लॉगिंग कर नहीं पा रही हूँ गाइस, तो प्लीज़ आप लोग जो है सपोर्ट करिएगा। थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, बस 15 तारीख तक, तो इसलिए। और ये जो है नमन का मैं लंच बना रही थी, नमन को जाना है स्कूल, और इसके बाद सब्जी मेरी हो गई थी, पराठा बना रहे थे, सिंपल सा पराठा बनेगी, और मतलब सादा पराठा। और इसके बाद जो है चाय मैंने चढ़ाई है, क्योंकि मैंने ब्रश कर लिया है, तो फिर मैं चाय भी पीऊँगी, मुझे चाय पीने का मन होता है जब मैं ब्रश कर लेती हूँ तो। और इसके बाद साथ साथ में चढ़ा दिए हैं, और ये इनका पराठा हो रहा है, बस यही है मेरा। अभी इनको लेके चली जाऊंगी मैं स्कूल छोड़ने, फिर इसके बाद तब भी मेरा कोई काम होगा। जब तक इनको स्कूल छोड़ नहीं देते तब तक बस इसी में वो लगा रहता है, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है। सब काम हो चुका था, जैसे कि मैंने नहा भी लिया था, और इसके बाद कपड़े भी धुल दिए थे, कपड़े मैंने डाल दिए थे, आधे कपड़े मतलब सूख भी गए हैं समझ लो, क्योंकि एक बार मैंने सोचा इसको पलट देते हैं, जब पलट देते हैं ना तो जल्दी से सूख जाता है, और मतलब एक दिन में सूख जाता है, उलन कपड़ा भी सूख जाता है, तो इसलिए मैं उसको एक बार उलट देती हूँ जब धूप रहता है, तो एक बार कपड़ों को जब उलट देते हैं तो सही रहता है, जल्दी से सूख जाता है। और ख़ास करके बच्चों के कपड़े जो है जब सूख जाते हैं तो सही रहता है, क्योंकि उनका कोई पता नहीं, हम तो धुल के रखे होते हैं, लेकिन होता क्या है कई बार कि कुछ खाते हैं तो गिरा लिया, तो उसको भी धुलना है, तो इस वजह से जब सूखे रहते हैं ना तो सही, और ठंडी में कितने भी कपड़े हो तो कम पड़ ही जाते हैं, तो इसलिए मैं उलट उलट के सुखाती रहती हूँ कि ताकि मतलब सूख जाए जल्दी से। और मैं सबसे अच्छी बात यह है कि कपड़े सूख जाते हैं तो रखने में भी आराम हो जाता है, कि उसको फोल्ड करके तह लगा के रख देते हैं, जगह भी कम लेती है। अगर नहीं सूखा है तो फिर उसको कहीं शाम को डालो, फिर उसको सुबह धूप दिखाओ, तो इससे अच्छा है कि वो हम उलट देते हैं इधर उधर तो वो सूख जाता है। बाकी ये सब कपड़े तो सूख ही जाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है उलटने की, लेकिन फिर भी जो है चेक कर लेते हैं। और इसमें से ये मुझे ब्लैक वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको मुझे प्रेस करना है और कल इसकी मुझे ज़रूरत है, तो इसलिए इसको ज़्यादा टेंशन बनी है कि ये सूख जाए। और धूप बहुत अच्छी थी, सूख भी गई थी शाम तक, और क्योंकि धूप अभी बहुत अच्छा हो रहा है ना, अभी तो धूप की मतलब कोई ऐसा है नहीं कि धूप नहीं निकल रहा है, धूप बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है धूप में। अभी यही धूप है कि गर्मी में इस धूप से हम परेशान होते हैं, और ठंडी में इसी धूप की हमको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो है अब चलते हैं किचन में, इनका काम शुरू करेंगे, क्योंकि नहीं तो लेट हो जाएगा। टाइम हो रहा था 12:30, और 12:30 हो रहा है, तो मुझे दाल चावल सब्जी बना लेनी है, और इसके बाद जो भी बर्तन है उसको धुल लेने हैं, क्योंकि अभी जब नमन को लेके आते हैं तब ये सब काम अगर मेरा रह जाता है तो फिर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जब वो आते हैं तो 2:30 बजे से ज़्यादा हो जाता है, 2:20 पे छुट्टी होती है, आते आते जो है 2:30 से ज़्यादा हो जाता है। अब 2:30 से ज़्यादा हो गया तो आके खाना खाए, चेंज किए, तब तक उनका ट्यूशन का समय हो जाता है, उनको मुझे छोड़ना पड़ता है ट्यूशन,
तो फिर ट्यूशन से आने के बाद फिर जो बर्तन वगैरह रहते वो सब हम धुलते हैं, कपड़े डाले हैं तो उसको उतार के लाए, तेल लगा के रखे, फिर लाने का समय हो जाता है। आजकल जल्दी जल्दी समय निकलता है ना, तो इस वजह से पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हुई कब शाम हो गया, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता मेरे पास, मेरे पास ही या सबके पास मुझे ऐसा लगता है, और सभी के पास ऐसा, सभी को मतलब जो हाउसवाइफ हैं सभी के पास पूरा दिन कब निकल जाता है कुछ नहीं पता चलता है। अच्छा लोगों को जो बाहर काम करते हैं उनको लगता है घर में क्या काम है भाई, लेकिन घर में करते रहो बहुत सारे काम हैं, पूरे दिन काम रहते हैं। और लेकिन वही है ना कि अपना अपना काम लोग समझते हैं कि हाँ मैंने जो किया है वही काम है, बाकी घर में कोई काम नहीं, लेकिन सबका अपना काम होता है, काम रहता है, ऐसी बात नहीं है कि घर में काम नहीं है, घर में बहुत सारे काम हैं और रोज़ का काम है, यहाँ कोई संडे सैटरडे नहीं है कि किसी दिन छुट्टी होती है, हमेशा काम ही होता है। और अच्छी बात है कि काम रहता है, अपना आदमी उसी में बिजी रहता है। तो यहाँ पे मैं साग बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और जो है ये मूली का साग दाल चावल के साथ, बहुत सारे लोग रोटी के साथ खाते हैं ना, लेकिन नमन को भी दाल चावल के साथ अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं बनाऊंगी थोड़ा, मतलब कई लोग ऐसे बनाते हैं कि जो है केवल मूली काट लिया और मूली से ही केवल साग बना लिया, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा अलग बनाती हूँ, थोड़ा सा और टेस्टी करने के लिए उसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है कढ़ाई चढ़ चुका है और अब मैं बनाऊंगी साग को, और उनके साथ शेयर कर दिया कि आप लोग भी देख लो मैं कैसे बनाती हूँ। इसमें प्याज टमाटर और थोड़े से मसाले सब डालती हूँ मैं, तो यहाँ पे अदरक और लहसुन कद्दूकस करके डाल दिया है और प्याज डाल दिया है और थोड़ी सी धनिया मिर्च और सब्जी मसाला गर्म मसाला थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया, फिर टमाटर, और इसी तरीके से बस सिंपल सा जो है बनाएंगे और थोड़ा सा टेस्ट इसका बढ़ जाता है ये सब डालने के बाद, तो इसलिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, इसी तरीके से हम लोगों को पसंद है और इसी तरीके से खाते हैं। आप लोग कहते हो कि थोड़ा सा भाभी कभी कुकिंग भी दिखाया करो, तो इसलिए मैंने छोटी सी क्लिप जो है ऐड कर दिया है, और ये मैं हाथ में ही ली हूँ कैमरा ना, एक हाथ से सब्जी को चला रही हूँ तो इसलिए हिल रहा है। तो चलो बाय गाइस, मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी न्यू ब्लॉग में।